हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस, क्लास फिफ्थ। और इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर के ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसकी जो एक्सरसाइज है, लेट अस प्रैक्टिस। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फोर ऑप्शन दिए जाएंगे और हमें सही जो आंसर है उस पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रब्बी क्रॉप, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रब्बी क्रॉप्स, कौन सा रब्बी क्रॉप्स नहीं है। फोर ऑप्शन दिए गए हैं, वीट, मेज, ग्राम एंड कैबेज। तो हमारा सही आंसर है मेज। सेकेंड है, वाई इज मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। देखिए, इसमें फोर ऑप्शन है, बिकॉज इट इम्प्रूव सॉइल टेक्चर, बिकॉज इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिकॉज इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, Which one of the following does not damage crop? देखिए, फोर ऑप्शन है, pets, animals, bacteria and manure। तो हमारा सही आंसर है manure। manure हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, one of these fruit is displaced by water, which one is it? तो फोर ऑप्शन है, apple, lotus, peanut and poppy। तो हमारा सही आंसर है lotus। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, देखिए, द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव गॉट मिक्स अप सेपरेट इन देम इनटू रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पर जो क्रॉप्स दिए गए हैं, वीट, राइस, ग्राम, ज्वार, मेज एंड बाजरा, ये इसमें रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कौन से है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो रबी क्रॉप्स है वीट एंड ग्राम, और खरीफ क्रॉप्स है ज्वार, बाजरा, राइस एंड मेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रीड द हिंट्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन। हमें इसके डिफरेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर उसके पॉइंट्स भी दिए गए, उस पॉइंट्स के थ्रू हमें डिफरेंस लिखना है। तो पहला जो है रूट एंड स्टेम, इनके फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हमें डिफरेंस यहाँ पर लिखने हैं। तो रूट का फंक्शन क्या है और स्टेम का फंक्शन क्या है, तो देखिए रूट का फंक्शन है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू स्टेम। और स्टेम का फंक्शन है, द स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट मे ऑल्सो स्टोर फूड्स एंड ग्रीन स्टेम्स देम सेल प्रोड्यूस फूड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ज्वार एंड व्हीट, इनके ग्रोइंग मंथ्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, ज्वार एंड विट ग्रोइंग मंथ, ज्वार, मेज, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा आर ग्रो इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, दिस इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इसे खरीफ क्रॉप्स भी कहा जाता है। और इन इंडिया क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद अगला है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इनके रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो हमें ये लिखने हैं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो कंटेन स्मॉल बर्ड्स व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल न्यू शूट ग्रो आउट फ्रॉम द बर्ड्स। और स्वीट पोटैटो, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम शूट ऑफ द मदर प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है जो है कोकोनट सीड एंड डैंडेलियन सीड, उसके डिस्पर्सल हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ठीक है, उससे पहले यहाँ पर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके सोर्स है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ऑब्टेन फ्रॉम काउ, डॉग, ग्रेड एंड डिकिंग प्लांट, एनिमल और वेजिटेबल्स मैटर। और फर्टिलाइजर्स मेड ऑफ केमिकल सच एस यूरिया, नाइट्रेट एंड सल्फेट्स। और उसके बाद है कोकोनट सीड एंड डैंडेलियन सीड, हाँ डिस्पर्सल हमें यहाँ पर उसके लिखने हैं। तो देखें, कोकोनट सीड इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर
फ्लोइंग वाटर कैरीज सीड ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर बॉडीज, एग्जाम्पल कोकोनट सीड और डैंडेलियन सीड. डैंडेलियन सीड इज डिस्पर्स बाय विंड. सीड्स दैट आर वेरी लाइट एंड स्मॉल यूजुअली गेट डिस्पर्स बाय विंड. फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ कॉटन, डैंडेलियन, हिप्टेज. ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है कि फर्स्ट है वेरी लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल और सेकंड स्टेटमेंट है ग्रेन मस्ट बी स्टोर इन मॉइस्चर लैंड एंड रूम्स. तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. ठीक है, उसके बाद फाइव नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूजुअली मिक्स बाय फार्मर्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो उसका आंसर है देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूजुअली मिक्स बाय फॉर्म एंड इंक्रीज नेचुरल इन द सॉइल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज फंक्शन कैटिलेंडियन. कैटिलेंडियन इज फाउंड इन साइड्स इज द सीड्स कोट. दे होल्ड द फूड दैट द सीडिंग कंज्यूम एज इट ग्रोज. सम सीड्स सच एज ग्राम, पी एंड बीन हैव टू कॉटिलेंड्स. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर सॉइल्स. सॉइल्स आर ग्रैनरीज एंड आर वो यूज फॉर लार्जर स्केल स्टोरेज. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन और उसका जो आंसर है वाटर, एयर और वार्म सनलाइट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेट ऑफ सीड्स. फाइव नंबर क्वेश्चन है गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. मशरूम्स, फ्रेंस एंड मोसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. लॉन्ग टाइप आंसर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नेम मेनी टू एजेंट्स बाय डिस्पर्सल बाय एक्सप्लेन हाउ दे वर्क अलॉन्ग विथ टू एग्जाम्पल. और इसका आंसर देखें dispersed by wind. Seeds that are very light and small usually get dispersed by winds. Example seeds of cotton, hiptage and dandelion have long ears around them allowing them to be carried away by the wind. Seeds of some plants like maple, jackrabbit and drumstick have wind like structure to help them to float in the ईयर. और दूसरा है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोरेशन. इन द सम प्लांट लाइक सम प्लांट्स लाइक पेन ब्लॉसम एंड मिल्क मेन देयर पॉन्ड्स ब्रस्ट अपॉन ओपन और एक्सप्लोर विद दे रिपन. दे सीड द सीड्स पफ आउट एंड गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए सेकेंड नंबर का, what would have happened if seeds dispersal by had not exist. और उसका आंसर है there would have overcrowding and competition for various essential components among existing plants. थर्ड क्वेश्चन है why the grain should be stored in dry and well. स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग देम फॉर अ लॉन्गर टाइम टू मेक श्योर दैट नो मॉइस्चर कैन सीप इन एंड रेन द ग्रेन. फोर नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स. फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स. और फाइव नंबर क्वेश्चन है हाउ डू फार्मर्स प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. दे शुड यूज insects and pesticides protect crops from insects, disease, weeds, fungi and other undesirable pests. तो बच्चों इस तरह से हमने साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ पर सॉल्व किए हैं. आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर हमने देखे
वो समझ में आए होंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।